हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं भी हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में भगवान उनकी समस्याओं को दूर करे। तो आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अचीवमेंट इन ऑल में। आज 16 जून का मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये सुबह का सारा काम लगभग 8:30 बज रहे हैं। कुछ डब्बा भी साफ़ करवाया था, सारा बर्तन वगैरह पूरा क्लीन हो गया है। और नीचे जो आपने देखा वो मैंने कल क्लीन किया था, बस वो सिर्फ झाड़ू पोछा की हैं। नीचे बैठे बैठे मैंने बहुत सारा काम किया है, सारे सामान को मैंने डब्बे में रखा है। अब डब्बा साफ़ करवा रही हूँ धीरे धीरे। तो ये लाल ब्लू वाले डब्बे में सारा ग्रॉसरी का पैक किया था सामान, अब एक एक करके डब्बे में रखूँगी। जब जैसा आराम मिलता वैसा करती हूँ। और यहाँ पर लगभग दोपहर का समय हो रहा है, तो किचन वगैरह साफ़ सफाई होने के बाद मम्मी खाना बनाई थी, कढ़ी चावल, तो काफ़ी अच्छा बना था। और फिर चावल वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद मैं लेटने जाती हूँ, लेकिन लेट नहीं पाती हूँ डियर, जैसे कि आप लोगों को पता है बिल्कुल लास्ट समय मेरा चल रहा है। आज 16 जून है, लास्ट डेट 17 जून का है। तो यहाँ पर मैंने देखा मम्मी सोई है, तो मैंने सोचा मम्मी को क्या उठाना, कुछ करती हूँ धीरे धीरे। मैंने अपना कंघी वंघी करके मैं बालकनी आ गई, सारे कपड़े को मैंने उठा लिया और सोचा बैठे बैठे मैं फोल्ड कर दूँ। जितना मेरे संभव होता है उतना मैं करते जा रही हूँ डियर, और उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। बोलते हैं कई लोग बैठ के नहीं लगाना, लेकिन अब मैं बिल्कुल प्रयास करती हूँ, कभी नीचे बैठ जाऊँ, कभी झाड़ू लगा लूँ, मतलब हर संभव प्रयास कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर दूँगी एक एक करके, उसके बाद आगे बढ़ूँगी काम में। अभी तक मम्मी सोई है, मम्मी का जब आँख खुलता है देखती है वो मैं बगल में हूँ ही नहीं, तो पूरा मम्मी एकदम हड़बड़ा के उठती है कि कहाँ चली गई, कुछ करने लगी, क्या करने लगी इस तरह। और बालकनी में बैठी हूँ तो हवा भी चल रही है, और थोड़ा ज़्यादा बेचैनी सा लगता है, ज़्यादा गर्मी लगती है डियर। कभी कभी कूलर भी एकदम गर्म हवा देने लगती है, इस तरह से होता है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा डियर, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर शेयर करिएगा। मेरे लिए ईश्वर से एक बार प्रे ज़रूर करिएगा, सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बोली हैं 17 तारीख तक वेट करने और 18 को एडमिट होने। और मैं बहुत ऑपरेशन वगैरह से डरती हूँ डियर, क्योंकि पहला बेबी मेरा नॉर्मल था, नॉर्मल में कष्ट होता है लेकिन वो बस उतना देर तक ही होता है। ऑपरेशन का तो मुझे आइडिया नहीं है डियर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। मेरे पास कोई उतना आदमी नहीं है, सास भी मेरी गुजर गई, मेरी मम्मी एक महीने से हैं, 15 जून को आए थे, 15 मई को आए थे, 15 जून को एक महीना हो गया, कितना वो मेरा साथ देंगी। उन लोगों का भी उम्र हो गया है इसीलिए, और सोना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, नॉर्मल के लिए ही तो मैं इतना करते रहती हूँ। और जब सारा कपड़ा वगैरह फोल्ड करके मैंने अच्छे से रख दिया, फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मैं आ गई किचन, क्योंकि कल तो बहुत सारा डब्बा धुला था जो कि नीचे रखा है टब में, उसमें कुछ कुछ सामान रखूँगी। और बाकी एक दिन मैं सुबह को दे नहीं सकती हूँ, और पहले ही सुबह से कमिटमेंट हो गया था, मैं तो कर ही लेती थी, आपको इतना दिन से एक भी बार नहीं बोलती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास समस्या है। और मम्मी अब डब्बा वब्बा सारा चीज़ साफ़ करी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं भी करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा शीशे का बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किया, लेकिन आधा डब्बा तो कल हो गया है, अब आधा खाली करके मैं आज दे दूँगी। तो मैं किचन आई, पहले मैंने सोचा मैं क्या क्या करूँ, फिर मैंने सोचा एक बार फिर से ऊपर झाड़ देती हूँ अच्छे से, फिर तो बेबी होने के बाद पता नहीं कितने दिन तक किचन नहीं इन करना चाहिए, ये सब तो मुझे पता नहीं, उसके बाद क्या होगा, बाद की बात तो बाद में होगी डियर। इसीलिए मैंने ऊपर पूरा उसको साफ़ कर दिया, पेपर वगैरह एक दो गंदा था उसको भी हटा दिया, और जो डब्बा से सामान खाली हो गया है उस सारे डब्बे को मैं एक एक करके नीचे उतारूँगी, और अच्छे से पूरा ऊपर झाड़ के एकदम फ्री कर दूँगी। और जो डब्बा धुलवाना है मुझे, मैं सबको टब में रखूँगी, और टब में जो धोया हुआ डब्बा है उसको मैं अरेंज कर दूँगी, उसमें सामान रख दूँगी, जो सब जैसे काबुली चना का उस दिन छोला बनाया, थोड़ा चना बचा हुआ था उसको रखना है, इस तरह करके बहुत सामान ऐसा है जो कि इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ऊपर मैं सबको अरेंज कर देती हूँ अच्छे से। मम्मी सोई थी, मुझे लगा मैं इतना सा कर देती हूँ, अभी तक मम्मी की आँख नहीं खुली थी, लेकिन जब पूरा मैंने ऊपर कर लिया, एक डब्बा मेरे हाथ से गिर गया, जिससे कि मम्मी पूरा हड़बड़ा के उठ गई, मम्मी को लगा मैं रोटी बना रही हूँ, लेकिन रोटी मैं नहीं बना पा रही हूँ डियर। मम्मी बोल रही थी, मैं बहुत सोच रही थी कि ये आटा कैसे नीचे से ली, फिर पप्पा जी से मांगी होगी इस तरह करके, लेकिन आटा चाहती तो ले लेती, नीचे का भी मैंने काम किया है, क्योंकि आलू जो है डलिया में ही रखा हुआ है, सुबह को कहा था थोड़ा सा आलू प्याज अरेंज कर दीजिए, लेकिन अब उतना वो ध्यान भी नहीं देती है, चार घर में करना भी होता है,
उतना मैं पीछे भी नहीं पड़ती हूँ, जो काम इजी रहता है उसको मैं करने का प्रयास करती हूँ। तो स्टील वाले में पापड़ रख दिया, अभी मसाला भी तैयार करना है। मसाला का सारा खड़ा मसाला मैंने धनिया जीरा मेथी लाल मिर्च ये सब मंगा लिया है, तो उसको भी अभी करना है। तो इतना देर होने के बाद मैंने सोचा अब मैं आलू बॉयल होने दे देती हूँ, तब तक आलू बॉयल होके रहेगा, क्योंकि अभी लगभग 3:30-4 बज रहे हैं। कपड़ा वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर आधा घंटा मैंने रेस्ट किया था, फिर मैं किचन आ गई। तुरंत तुरंत तो नहीं कर पाऊँगी, तो नीचे मैं बैठ नहीं पाई, तो इस तरह मैं बैठ गई हूँ। और सारा बड़ा वाला आलू नीचे रख दूँगी, जो मीडियम साइज़ का है बीच में रख दूँगी, प्याज ऊपर में रखा हुआ है, और आलू को बॉयल करके चढ़ा दूँगी। अब अगर मम्मी जगे तो जगे, आलू पका रहा था, क्योंकि होता क्या है कि इतना तेज़ी से शाम गुजर जाती है, थोड़ा बात करने लगे, थोड़ा नाश्ता करने लगे, थोड़ा चाय पीने लगे, बस इसी में एकदम शाम हो जाता है। फिर मम्मी रात को रात हो जाता है, और फिर रात में वो परेशान हो जाती है, उतना रात होते ही परेशान हो जाती है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ डियर, मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है, पता नहीं ये फॉल्स पेन है कि रियल पेन है, भगवान जाने। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सोफ़ा पे बैठ के मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सीधा बैठ गई हूँ। और यहाँ भी जो आलू वगैरह मैं डाल रही थी, सब अच्छे से अरेंज कर रही थी, इस समय तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको करने के बाद जो सब्ज़ी, यहाँ नीचे तो बैठ गई हूँ, लेकिन उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अभी देखिएगा मैं बहुत कष्ट से उठी हूँ, लेकिन ये सारा धोया डब्बा है, इसको अरेंज करूँगी। बैकग्राउंड में खटखट की आवाज़ होगी तो इग्नोर करिएगा डियर, मकान वगैरह बन रहा है। किसी तरह मैं यहाँ से उठी, अब मैं आलू धो के इंडक्शन पर चढ़ाऊँगी। आलू चढ़ने के बाद पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, टब का सारा सामान जो था, जितना डब्बा था उसमें सामान रख दिया, और टब खाली हुआ तो पुराना डब्बा रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा कुछ सब्ज़ी है, परवल है और भिंडी है, तो उसको मैं काट देती हूँ। तो अभी जैसे कि आलू बॉयल होने दिया, तो आलू और परवल की सब्ज़ी बना लूँगी, मम्मी बनाएगी, तो मदद थोड़ा करना ही चाहिए। सब धोया डब्बा है जिसको मैं अभी रख दूँगी, सब्ज़ी अगर काट पाई, क्योंकि यहीं से मेरे मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था डियर, काट पाई अगर सब्ज़ी तब तो इस डब्बे में रख दूँगी, नहीं तो इस डब्बे को मैंने इसी तरह बंद करके रख दिया। और उसके बाद जो डब्बा एक दो बचा है जिसमें काबुली चना वगैरह रखा, और टप टप में सारे डब्बे को रख दूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि सारा सब्ज़ी धोया है तो आराम से बेड पे बैठ के मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि भिंडी थोड़ा ज़्यादा है, परवल ज़्यादा है, और सब्ज़ी कटा रहता है, तो सुबह खाना बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती है, कटा रहता है। तो आप तुरंत सिर्फ फ्राई कर दीजिए, और ये जो डब्बा है बिल्कुल इसमें तरोताज़ा सारा सामान रहता है। तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा देखूँ, फिर थोड़ा रेस्ट मैंने किया था किचन साफ़ करने के बाद, लेकिन कुकर की सीटी से भी मम्मी जगी नहीं थी, मम्मी का नींद खुला नहीं था। उसके बाद फिर यहाँ से किचन पूरा क्लीन करने के बाद, जब तक मैंने क्लीन किया तब तक आलू भी बॉयल हो गया था। उसके बाद मैं चली गई हॉल में ही, ऊपर में बैठ के काम करने में आसान होता है, यहाँ मैं आ गई सब्ज़ी ले करके काटने के लिए ही। तब तक मम्मी जगी तो बोली तुम क्या कर रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम रोटी बना रही हो, क्या कर रही हो। तो फिर किचन देखी तो वो समझ गई, फिर बालकनी गई, कपड़ा देखी फोल्ड किया हुआ, तो समझ गई ये तो दोपहर भर पूरा काम की है। तो यहाँ पर मैं भिंडी का भुंजिया कट कर रही हूँ, और मम्मी बोली लाओ मैं परवल खरीद देती हूँ। परवल खरीदने के बाद फिर इसको भी धो के, परवल ज़्यादा है तो अभी थोड़ा गीला सब्जी बना लूँगी परवल का, और मुझे परवल का भरवा बहुत खाने का मन कर रहा था। तो दो तरीके से बनता है, एक तो इसको दो भागों में बांट कर बनता है, और एक तो पूरा ये इसी तरह रहता है, इससे बीज निकाल कर बनता है। तो मम्मी पूरा यहाँ पर बैठ के परवल छीनने लगी, क्योंकि काम भी कुछ नहीं था, मैंने झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन भी जो था थोड़ा अरेंज कर दिया, और कपड़ा भी फोल्ड कर दिया, किचन भी साफ़ सफाई कर दी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी का भुंजिया काट लिया है, जो कि कल सुबह बन जाएगा, और ये बड़ा बड़ा भिंडी का टुकड़ा काट रही हूँ, गीला सब्जी, ये कल शाम में देखते हैं अब क्या बनता है, क्योंकि मुझे भी लगता है, पता नहीं मम्मी भी यही सोचती है कब जाना पड़े अस्पताल, तो मैं पहले से ये सब करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मम्मी पूरा ये परवल कर देगी, और इसको भी मैं देखती हूँ किस तरह से काट पाती हूँ, और सब कुछ डब्बे में अरेंज कर दूँगी। तो ये शाम का समय है, और यहाँ पर जो मैं बैठी हूँ, यहाँ मुझे पेन हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन बस वही है, रुक रुक के हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उतना, क्योंकि जो मेरा बेटा हुआ था उसमें मुझे दूसरा प्रॉब्लम हुआ था, ये पेन मैंने एहसास नहीं किया था। तो यहाँ पर मम्मी चली गई है परवल धोने के लिए, और यहाँ पर मैंने गीला भिंडी और भिंडी का भुंजिया सब कुछ काट दिया बैठे बैठे। परवल धोकर मम्मी कुर्सी पर रख दिया, मम्मी से मैंने ये डिब्बा मंगाया, और इसको पोंछ कर मैं अच्छे से इसमें सब कुछ रख दूँगी। पापा जी भी सामने बैठे हैं, बातचीत हम लोग कर रहे हैं।
और यहाँ पे डब्बा पोछ के मैंने इसको रख दिया, क्योंकि इसका गीला बनेगा तो अभी तो नहीं ही बनेगा, कल सुबह भी नहीं ही बनेगा, कल शाम में देखते हैं क्या होता है, खा पाते हैं या नहीं। और भिंडी का जो भुंजिया काटा है इसमें मैं रख दूँगी, और ये दोनों पैक करने के बाद फिर ये सारे परवल को पोंछ लूँगी, क्योंकि सूखा सब्जी काट कर इस डब्बे में रखने के बाद ये ज़्यादा तरोताज़ा होता है, फिर भी ये 3-4 दिन हो गया है ख़रीदने से, तो इसको मैं पैक नहीं कर पाए थे, तो ये हल्का पीलापन इसमें आ गया है। तो ये दो भागों में पहले मैं काट लूँगी, जो कल सुबह भरवा बनेगा, यानी कि कल सुबह मम्मी को कहा है अरहर का ही सिर्फ दाल बनाना, बहुत अधिक हींग दे करके थोड़ा गाढ़ा, और चावल और भिंडी का भुंजिया और परवल का भरवा, देखते हैं क्या कुछ संभव हो पाता है। तो सारे परवल को यहाँ पे अच्छे से पोंछ लिया है, और अब इसको मैं कट कर लूँगी, तो जो भरवा के लिए है उसको हटा देती हूँ पैक करके, और जो बचेगा सब्जी के लिए उसको काट दूँगी। तो मैंने सब्जी भी यहाँ पे काट दिया था, परवल टमाटर आलू भी बॉयल कर दिया था, मम्मी को बोला तुम छौंक लगा दो और फिर लगे हाथ रोटी बना लो, लेकिन फिर मैं चली गई बेडरूम में आराम करने के लिए, पैन थोड़ा थोड़ा हो रहा था, फिर मम्मी नाश्ता बनाई, पूड़ा फ्राई की, पापड़ फ्राई की, चना फ्राई की, नाश्ता दिए। मैं कूलर में बैठी हुई हूँ, गर्मी बहुत तेज़ लगती है, बाबू भी बगल में गेम देख रहा है बैठ के। उसके बाद फिर मैं आधा एक घंटा तक आराम ही करती रही, और मम्मी का इधर रोटी सब्जी बन रहा था, सब्जी मम्मी का आलू परवल टमाटर बन गया है, इसीलिए मम्मी को कहती हूँ तुम सवेरे बना लो, क्योंकि गर्मी में फिर परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर आलू परवल और टमाटर की सब्जी बन गई है मम्मी का, और मेरे पिताजी भी मंदिर गए हैं बाबू को लेकर के, तो मैं थोड़ा सा बालकनी आई, अंदर रहते रहते और भी अजीब सा लगने लगा, बालकनी आई तो मैंने कहा मैं वीडियो थोड़ा बना लूँ, खिड़की से ही बना रही हूँ, और मम्मी यहाँ रोटी बना रही है। तो आज 16 जून भी इसी तरह से निकल गया डियर, रात तक का सफ़र मैंने आपको दिखा दिया, अब रात में क्या होता है भगवान जाने। तो अब आपसे मिलूँगी मैं 17 जून को, देखती हूँ क्या होता है, मिल पाती हूँ या नहीं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट शेयर करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। नए अपडेट के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा डियर, बाय बाय, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।